नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 2000 के नोट की जो बंद करने की खबर थी वो सब लोगों को पता चल चुकी है और सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या बाजार कल गिरने वाला है, क्योंकि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब मार्केट क्रैश हुआ था 6%। अब वही डर दोबारा से है क्या? मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कल सेम टॉपिक पे आपके साथ वीडियो डिस्कस करी थी, ये एक तरीके से रिपीटेड वीडियो भी आप कह सकते हैं जो कि दोबारा शूट हो रही है, बस इतना ही फर्क है। देखिए हुआ एक्चुअल में क्या है, इस बार की सिचुएशन और पिछली सिचुएशन पूरी तरीके से अलग है। कैसे? पिछली बार जो नोटबंदी थी उससे लोगों की लाइफ पे फर्क पड़ा, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ, मारा मारी बच्चे मच गई। मतलब हर एक चीज के लिए उन्हें कैश चाहिए होता था पहले, जो कि नहीं था उनके पास। नोट बंद हो गए, 500 के नोट सबके घर में अवेलेबल थे, 1000 के नोट भी ऑलमोस्ट सबके घर में अवेलेबल थे और वही बंद कर दिए सरकार ने। बहुत सारी लिमिट आई एक दिन में, इतना मुझे अभी एक्चुअल में सारे याद भी नहीं है लिमिट, पर बहुत सारी लिमिट्स आई थी। फिर वो करेंसी चेंज करना, वो नई नई करेंसी आई थी, 200 के, 500 के, 50 के, इनफैक्ट नई नई करेंसी थी, तो सारी करेंसी नई आई तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। लेकिन इस बार सिचुएशन पूरी अलग है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है उन लोगों को छोड़कर जिनके पास 2000 की गड्डियां पड़ी हैं घरों में। अब आपके घर में 2000 रुपए की गड्डी कर क्या रही है, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल। आप घर में इतना बड़ा कैश लेके बैठे क्यों? क्योंकि पहले 1000 रुपए के नोट भी जो करप्शन खाते हैं ना वो लेके बैठ रहे हैं 1000 रुपए के नोट भी, और छुपा रहे हैं, और उनकी एक स्पेस है जहां पे 1000 रुपए के 100 नोट आ सकते हैं, तो वो 1,00,000 रुपए ही छुपा पा रहे हैं। अभी तो ये 2000 का नोट छुपाएंगे तो सीधे 2,00,000 रुपए का करप्शन कर दिया, क्योंकि अब तो और ज्यादा बड़ा नोट है ना, तो ये नोट छुपा के बैठे हैं, दैट मींस करप्शन। और यही सरकार की प्रॉब्लम है कि भैया आप नोट को छुपा के क्यों बैठे हो, सर्कुलेशन से गायब क्यों कर दिया आपने, आपके पास आया आपने छुपा के रख लिया, ये क्या मतलब हुआ? तो सरकार कह रही है कि हमने जितने नोट निकाले थे उसका ऑलमोस्ट 50% हिस्सा गायब है, मार्केट में है ही नहीं, फ्लोट केवल 37% नोट ही हो रहे हैं, तो बाकी के नोट का है, ये उनका मोटिव है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि बैन नहीं, हम उन नोटों की वैल्यू खत्म कर देंगे। हम सरकार कह भी यही रही है कि एक नोट की जो लाइफ स्पेन है वो 3 से 5 साल है, सॉरी 4 से 5 साल है, और वो नोट बाजार से गायब है। तो सरकार ने कहा है अगर आपके पास है 2000 के नोट तो आराम से 30 सितंबर का समय जाइए, अपनी बैंक में डिपॉजिट कीजिए, और वो डिपॉजिट करने के बाद, वो पैसा डिपॉजिट करने के बाद आप दूसरे नोट ले लो या फिर बैंक में डाल दो। बैंकों से कहा है कि अपने डिपॉजिटर से कहिए कि पैसा बैंक में डालिए और या तो दूसरा नोट ले लीजिए या फिर नहीं, या फिर आप अपनी बैंक में डिपॉजिट कर दो। यानी कि सारे के सारे नोट विथड्रॉ करना चाहती है भारत सरकार जो है मार्केट से 2000 के। अब इससे फर्क देखो, आप 500 का नोट यूज कर रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट आप नोट यूज ही नहीं कर रहे। आप देखो अपनी डेली लाइफ में आप नोट का इस्तेमाल करते कितना हो। मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे अगर कैश की जरूरत पड़ जाती है तो मुझे एटीएम जाना पड़ता है या फिर किसी से कहना पड़ता है भाई मैं तेरे को फोन पे कर रहा हूं मेरे को कैश दे दे, अदरवाइज मेरे पास इस समय कैश है ही नहीं। और सरकार का एक ये भी बहुत बड़ा फोकस है कि मार्केट को डिजिटल बना दो पूरा का पूरा, प्लास्टिक मनी कर दो पूरी की पूरी, ये कैश लेस हो जाओ सब, ये भी एक फोकस चली रहा है। और इसको यूपीआई के थ्रू कितना बड़ा बढ़ावा मिला है आपको पता है, यूपीआई की ट्रांजेक्शन हमारे भारत में सबसे हाईएस्ट नंबर पे आ रही है, तो ये अपने स्ट्रेंथ या अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रेंथफुल करने के लिए काम आएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिव है। ये 2-3 कारण मुझे लग रहे हैं, एक कि लोग जो पहले करप्शन करते थे अब और हाई लेवल पे कर रहे हैं क्योंकि उनके पास 2000 का नोट है, दूसरा कैशलेस मार्केट बनाना चाहती है सरकार, ये भी एक मोटिव हो सकता है। ये बाजार की इकोनॉमी को बूस्ट ही करेगा, खराब नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी जिनके पास करप्शन का पैसा है या फिर नॉर्मली भी 50,000 1,00,000 रुपए तो कोई भी रख सकता है, बट घर में 1,00,000 रुपए आप कैश में रख रहे हो ये थोड़ा सा मुझे समझ, वो भी ऐसे समय में जहां पे आप एक फोन से कितने भी रुपए कर सकते हो, डेली बेस की लिमिट दे रहा है आपको यूपीआई 1,00,000, तो वो एक है प्रॉब्लम। और उस समय आप ये भी है एटीएम से अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो भी आपकी लिमिट थी, एक दिन में आप इतने ही रुपए विड्रॉ कर सकते हो। ये सारी चीजें थी जो पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई चीज नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाजार क्रैश होगा क्या? नहीं, उस दिन 6% जो क्रैश हुआ था ना उसमें यूएस के प्रेडेंशियल इलेक्शन भी थे जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट क्रैश थे, ये भी आप भूल गए हो, तो उस समय प्रॉब्लम अगर 2% थी तो अभी 0 है, तो मेरे को नहीं लगता इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा।
हाँ, बाजार में अगर गिरावट होती है तो उसके पीछे के और रीजन हो सकते हैं, लाइक बाजार में सुस्ती है, विक्स 13 पे है वो भी ऊपर आ सकता है, ये सारी चीजें, अदरवाइज नहीं। मार्केट में मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव है, कोई भी निफ्टी में गिरावट 18,050 18,080 के आसपास आती है वो लेने के मौके ही है। 17,000 इनफैक्ट आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे जो छोटा स्टॉप लॉस है वो 18,070 का ही होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। 18,070 के नीचे बाजार बंद होगा तब थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता आपको होना चाहिए। मार्केट लाइफ हाई की तरफ जा रहा है मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पे आप पोर्टफोलियो में अपनी स्टॉक्स की बिल्कुल भी बिकवाली मत करना, ये मेरा पर्सनल व्यू था। होप आप लोगों की वीडियो समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।